हेलो गुड इवनिंग कैसे हो आप सभी लोग आई होप्स सब एकदम बढ़िया होंगे मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और आज हम करेंगे अपना बी सी ओ एस का वन एट फोर का यूनिट सेकेंड तो पिपेटी पे स्टार्ट होने में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा तो करते हैं शुरुआत अपने इस प्यारे से यूनिट्स की जो कि काफ़ी छोटा सा है काफ़ी छोटा सा है तो देखते हैं क्या है कल हमने ई e कॉमर्स के बारे में बात किया था कि ई e कॉमर्स क्या होता है कुछ मैंने आपको बिजनेस मॉडल के बारे में बताया था बताया था? नहीं बताया था जो नहीं बोलेंगे उन्होंने फर्स्ट यूनिट नहीं पढ़ा है और जो हाँ बोलेंगे ना उन्होंने फर्स्ट यूनिट किया है ठीक है अब आप देख लो आप हाँ की कैटेगरी में हो या ना की कैटेगरी में हो तो देखते हैं हम आज अपने इस चैप्टर को जिसमें हम बात करेंगे ई e कॉमर्स के बिजनेस मॉडल्स की ठीक है कौन कौन से बिजनेस के मॉडल है तो पहले तो आपको यही समझना है बिजनेस मॉडल होता है, क्या है कुछ की एलिमेंट्स की बात करेंगे मॉडल्स को समझेंगे उनको इम्प्लीमेंट कैसे किया गया है रिवेन्यू मॉडल्स कौन से होते हैं भाई तुम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो लेकिन बिजनेस किया तो पैसे कैसे बनाओगे पैसे कैसे लोगे लोगों से ठीक है उसके लिए क्या क्या मॉडल्स है फिर उसके बाद कोविड नाइन्टीन का क्या इम्पैक्ट पड़ा है ई e कॉमर्स पर ठीक है तो ई कॉमर्स तो सभी को पता होना चाहिए मैं चाहती हूँ कि सभी को पता होना चाहिए ई e कॉमर्स क्या होता है ठीक है ई कॉमर्स तो सभी को पता है ना कि ऑनलाइन जितने भी बिजनेस होते हैं उनको बोलते हैं हम ई कॉमर्स ठीक है तो हम बात करते हैं बिजनेस मॉडल क्या होता है बिजनेस मॉडल इज लाइक अ कोई एक डिटेल प्लान बनाना ठीक है कि कंपनी क्या करती है अपने एक बहुत बड़ा नहीं एक डिटेल प्लान बनाती है कि हम अपनी कंपनी को कैसे ऊपर लेके जाएंगे ठीक है मैं बोलती हूँ कि आप एक कंपनी के पूरे सी या प्रेजिडेंट हो ठीक है कि आपकी ही कंपनी है तो आप अपनी कंपनी के एक प्लान बनाओगे ना कि हाँ भाई मुझे अपना बिजनेस कैसे चलाना है मुझे अपनी कंपनी को कैसे आगे लेकर जाना है तो एक प्लान बनाया जाएगा ना अरे तुम बिजनेस तो छोड़ो तुम कल को कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो तो उसके लिए तुमको प्लान बनाना पड़ेगा ना कि क्या क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है क्या सिलेबस है कब तक सिलेबस तैयार करना है कब पी बनाना है कैसे आंसर राइटिंग करना है तो तुम क्या करते हो एक Ho, तो तो प्लान बनाते हो ठीक है तो ऐसे ही प्रोग्रेस के लिए प्लान बनाते हैं सिर्फ पैसे के लिए नहीं होता वो सिर्फ मनी के लिए नहीं होता ये इसलिए भी होता है कि कैसे जो हमारी कंपनी है इतना सारा कॉम्पिटिशन होने के बाद भी खड़ी रहेगी पैसा कमाना ही बिजनेस का एक मोटिव नहीं होता पैसा भी कमाना है ये फर्स्ट वो है लेकिन जब कंपनी चलेगी तभी तो पैसा कमाएंगे कंपनी चल नहीं रही है आज तो पैसा कमा लिया कल ढप चली जाएगी उनको पता है फ्यूचर में कुछ काम नहीं आएगा तो उनको क्या करना है कि हम कैसे ऊपर ले आए, अपने आप को खड़ा करें ठीक है तो यही तो बोलता है ना कि बिजनेस में बहुत रिस्क है तो यही एक पूरा प्लान तैयार करना कि कैसे हम मनी तो जनरेट करना है लेकिन हम अपनी कंपनी को कैसे खड़े रखेंगे इतना कॉम्पिटिशन होने के बाद भी ठीक है तो कंपनी का एक मेन गोल होता है कि कैसे हम अपने बिजनेस को आगे लेके जाएंगे और कैसे हम वैल्यू प्रोवाइड करेंगे किसको कस्टमर्स को ठीक है तो बिजनेस मॉडल एक पूरा प्लान होता है कंपनी को सक्सेसफुल बनाने के लिए ठीक है समझ में आ गया ओके okay. अब हम कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं कि बिजनेस मॉडल है क्या ये क्या करता है ये टारगेट करता है कस्टमर्स को अब आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट करा है ठीक है कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया है लेकिन जब तक आपको कस्टमर्स नहीं पता होंगे कौन है तो क्या फ़ायदा है ना जैसे आपने कोई भी इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया है ठीक है कोई भी नया प्लेटफॉर्म है पढ़ाई का अब आप किसी दादा दादी को उस प्लेटफॉर्म के बारे में बता रहे हो लगता है कि आपके उस कोई कस्टमर्स आएंगे नहीं भाई कस्टमर्स के लिए आपको देखना पड़ेगा कि किसको नीड है कैसे मेरा बिजनेस आगे जा सकता है ठीक है कौन ज्वाइन कर सकता है इस बिजनेस के अंदर तो ये क्या करता है टारगेट करता है कस्टमर्स को किसको जरूरत है इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजीज ये पूरी एक स्ट्रेटजी बना के तैयार करता है और अगर तुमने कोई प्लान बनाया है तो उस प्लान को एक्शन में कौन चेंज करता है बिजनेस मॉडल ही ठीक है रिवेन्यू कैसे जनरेट करना है अगर बिजनेस स्टार्ट किया है तो भाई पैसे भी तो चाहिए है ना पैसे लेने के लिए पैसे बनाने के लिए तो हमने बिजनेस स्टार्ट किया है कोई पागल थोड़ी ना है कि बिजनेस बना लिया और पैसे नहीं आ रहे तब भी वो बिजनेस पे लगे हुए नहीं बिजनेस लोग क्यों करते हैं पैसे आते हैं उनके लिए तो वही जब तक हम कोई प्लान नहीं बनाएंगे तो कैसे चलेगा है ना तो मॉडल ही बताता है कि कैसे हमको एडवर्टाइज करना है कैसे सेल प्रोवाइड करना है ये सारी चीजें कस्टमर से इंटरेक्शन करना ठीक है बिजनेस क्या करता है कनेक्ट करता है अपने कस्टमर्स के साथ कि कैसे हम अब कस्टमर को तुम नहीं जानोगे तुम्हें ये नहीं पता कस्टमर कौन है और पता भी चल गया तो उनसे पूछना पड़ेगा ना भाई क्या है कैसा आपको हमारा प्रोडक्ट पसंद आ रहा है उनसे फीडबैक मांगने की कोशिश करोगे कौन सी उनको सर्विसेज पसंद आ रही तो एक पूरा मॉडल तैयार करना कि हम अपने कंपनी को कैसे ऊपर लेके जाएंगे तो वो होता है हमारा बिज़नेस मॉडल ठीक है आगे ना सिंपल समझना है भाई बिजनेस मॉडल होता क्या है बस इतना समझना है ज्यादा झंझटबाजी नहीं पा आप लोगों को ठीक है ओके आगे हम कुछ की एलिमेंट्स की बात करते हैं कि बिजनेस बिजनेस जो मॉडल है इसका क्या की एलिमेंट है पहला तो ये आपकी ऑडियंस को ढूंढता है कि कस्टमर कौन है ठीक है अब जैसे कि मैंने स्टार्ट किया यार अपना खुद का चैनल अब सभी को पढ़ ही रहे सभी को पता है अब मैं क्या करती हूँ मैं ही नहीं मेरे अलावा और है उसने भी अपना स्टडी का चैनल खोला है अब भाई मैंने अगर अपना चैनल खोला है तो मैं क्या अपने अंदर रखूंगी कि मेरी वीडियो को वो देखे जिसको नीड है ठीक है देखो मेरे घर में सभी ने मेरा सब्सक्राइब नहीं करके रखा है चैनल कि मैं चाहती भी नहीं हूँ कोई करे अरे भाई जो कोई मेरी वीडियो ही नहीं देखेंगे वो लोग तो मैं क्यों सब्सक्राइब कराऊ है ना जिसको नीड है वो अपने आप करेगा है ना तो ये बोलता है कि उन ऑडियंस तक पहुंचाया जाए तो बिजनेस मॉडल ही तैयार करता है भाई तुम्हारे प्रोडक्ट को किसकी जरूरत है है ना तो बिजनेस मॉडल ही आपके ऑडियंस को आइडेंटिफाई करता है ठीक है वही भी दिखाता है सारी चीजें ओके okay. और आगे स्टैब्लिश द बिजनेस प्रोसेस ये पूरा एक प्रोसेस स्टैब्लिश करता है समझाता है कौन कौन सी एक्टिविटीज की जरूरत पड़ेगी हमको ठीक है ये पूरा एक प्रोसेस तैयार करके देता है बिजनेस मॉडल कैसे हमें कौन कौन से रिसोर्सेस की जरूरत पड़ेगी अगर हम कोई भी वो स्टार्ट करते हैं बिजनेस तो रिसोर्सेस के बारे में कौन अलॉट करता है यही ठीक है डेवलप स्ट्रांग वैल्यू प्रोपोर्शन ये क्या करता है कि अगर आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया आपको पता है आपके पास फीडबैक आ रहा है आपने पूरा प्लान तैयार कर लिया है ठीक है अब आप सोचोगे यार मेरे को कुछ अच्छा करना है अब तुमने कोई प्लान बनाया है तुम सोचोगे यार कस्टमर्स को पसंद आ रहा है तो तुम सोचोगे कुछ यूनिक करने का ठीक है तो तुम क्या करोगे कुछ करने का सोचोगे तो वही है कि ये जो अगर तुम कोई प्लान नहीं बनाओगे तो तु, तुम अपने कॉम्पिटेटर के साथ कभी नहीं टिक पाओगे ठीक है तो कंपनी के अंदर जब भी तुम बिजनेस के अंदर जाते हो तो कॉम्पिटेटर के साथ टिकना ही पड़ेगा ठीक है और डिटरमाइन की बिज़नेस पार्टनर ये आपका एक पूरा डिटरमाइन करता है बिज़नेस पार्टनर सप्लाइज की जरूरत पड़ेगी एक पूरी अलाइंस बनानी पड़ेगी एडवर्टाइजमेंट पार्टनर्स लेके आने पड़ेंगे अब तुमने कोई बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया है तुमने कोई अपना एक प्लेटफॉर्म भी खोल लिया है लेकिन जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा जब तक तुम उसकी एडवर्टाइज नहीं कराओगे तो कैसे लोगों को पता चल रहा है यार तुम पढ़ाते हो तुमने प्लेटफॉर्म खोला है वो जो भी कुछ है नहीं पता चलेगा ना लोगों को जागरूक करना पड़ेगा अवेयर करना पड़ेगा वो एक कहावत है कहावत नहीं क्या एक दिन मैंने पढ़ा था कि व्यापार करने के लिए प्रचार करना होता है ठीक है बिना प्रचार के कोई व्यापार नहीं ठीक है तो वही है कि तुमको प्रचार करना पड़ेगा एडवर्टाइज करना पड़ेगा लोगों को बताना पड़ेगा ठीक है तो वो कब होगा जब तक हम पूरा एक प्लान बना के चलेंगे ठीक है अब हम बात करते हैं भाई ये बिजनेस मॉडल है क्या तो बिजनेस मॉडल मैंने आपको पहले ही चैप्टर में समझाया था पूरे सारे मॉडल मैंने आपको बताए हैं बिजनेस टू बिजनेस जहाँ पे पूरा बिजनेस की एक चैन बनाया जाता है वो अपना सप्लायर वहाँ पे सारी चीजें होती है ठीक है फिर वो एक पोर्शल पे काम करते हैं ठीक है बिजनेस टू कस्टमर की कस्टमर को डायरेक्टली बिजनेस क्या करता है सर्विसेज प्रोवाइड करता है प्रोडक्ट देता है ठीक है कोई बीच में मिडेटर नहीं होता है कस्टमर से कस्टमर कि आपको कुछ भी बेचना है तो आप सीधे कस्टमर को बेचोगे ठीक है आपने कोई भी अलमीरा खरीदी अलमीरा क्यों आपने कोई मशीन खरीदी ठीक है कंप्यूटर खरीदा है जैसे कि अब तुमको यार लगता है कि कंप्यूटर की मुझे जरूरत नहीं है मैंने नया लैपटॉप ले लिया है ठीक है तुमको लगा यार कंप्यूटर को बेचते हैं तो तुम क्या करोगे उसे ओल एक्स पे बेच दोगे ठीक है तो तुम क्या कर तो रहे हो सीधा उसको दे रहे हो जिसको जरूरत है तो कस्टमर से कस्टमर चल रहा है कस्टमर टू बिजनेस अब कस्टमर से बिजनेस कैसे हो सकता है अब तुमने कोई भी भाई जैसे कि आ, तुमने कोई भी स्टडी का प्लेटफॉर्म खोला है ठीक है पढ़ाई का अब वहां पे पढ़ाने के लिए तो कस्टमर ही आ रहे हैं ना है ना हाना? तो वो कस्टमर की आप वहां पे कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो ठीक है क्या कर रहे हो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके तो कस्टमर टू बिजनेस कि आप सीधे बिजनेस कंपनी से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट लगा कॉन्टेक्ट करते हो कि देखो हमको यहाँ पे काम करना है ठीक है आया समझ में तो ये सभी मॉडल हेल्प करते हैं क्या करने में कि कैसे हमको अपने कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करना है कैसे अपने ट्रांसेक्शन को कंडक्ट करना है ठीक है तो ये सारे हमारे मॉडल है किसके बिजनेस के ठीक है जी ओके आगे हम बात करते हैं डिजाइन मॉडल कैसे डिजाइन किया जाता है मॉडल्स को ठीक e है ई कॉमर्स को जो मॉडल्स है उनको कैसे डिजाइन किया जाता है पहला तो होता है ब्रांड अवेयरनेस कि भाई तुम्हारे ब्रांड के बारे में बताना है खोला है कोई नया नया प्लेटफॉर्म कुछ भी नई कंपनी खुली है अब वो अपना एक ब्रांड बनाने की सोचेगी ब्रांड तुमने देखा होगा यार कपड़े अभी तो मेरे मैंने लोवर पहन थे एडिडास का तो है ना तो एडिडास एक ब्रांड है ना है ना तो क्या करती कंपनी अपना खुद का ब्रांड बनाती है भाई एडिडास का है उसका है रेपोक का है ठीक है तो ये क्या है ब्रांड है ठीक है कि भाई हमारे ब्रांड के कपड़े बढ़िया ही होंगे तो पूरी कंपनी के बारे में हमको जानकारी मिल जाती है एक ब्रांड से पता चल जाता है प्रमोशन मॉडल कि ये क्या करता है प्रमोशन मॉडल सीधा प्रमोट करता है ठीक है कस्टमर मतलब जो वेबसाइट है वो इंटरेक्ट करती है किसी कस्टमर से अलग अलग एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ठीक है अब फिर वो उनको डिजिटल गिफ्ट प्रोवाइड करती है कूपन देती है कि देखो ये करो फिर आपके आपको ये मिलेगा इसके बदले होता है ना कि हम कभी भी वो करते हैं क्या बोलते हो से? कुछ भी चीजें मंगाते हैं ऑनलाइन तो उसमें कूपन निकलता है कि देखो आपको ये फ्री टिकट मिलेगी इसकी ऐसा कुछ देखा होगा आपने कभी ठीक है तो वही होता है सारा वो हमको प्रमोट करते हैं एक तरीके से कुछ ना कुछ प्रमोट कर रहे होते है कस्टमाइजेशन कस्टमाइजेशन मॉडल ये पूरा किसके ऊपर डिपेंड होता है कस्टमर के ऊपर ये पूरा ध्यान रखता है कस्टमर्स को कस्टमर को क्या जरूरत है ऐसा कंटेंट बनाने की कोशिश करता है कि जो कस्टमर के प्रेफरेंस पे हो पूरा ध्यान पूरा हर एक चीज इनके कस्टमर के ऊपर होता है कि कस्टमर को ये पसंद है तो ये बनेगा नहीं पसंद तो ये नहीं बनेगा ठीक है तो ये हमारा पूरा डिजाइन मॉडल हुआ ओके okay. अब जो जो इम्प्लीमेंट हुए उनकी बात करेंगे कुछ ऐसे मॉडल है ई e कॉमर्स के अंदर मतलब आज जो बिजनेस चल रहा है ना तुम ना इस लैंग्वेज में मत जाओ तुम देखो तुम ऑनलाइन फोन यूज करते हो कुछ कुछ क्या सभी लोग यार ऑनलाइन ऑर्डर भी करते होंगे तो तुम्हें देखना है यार अगर मैं अमेजोन पे वो मंगा रहा हूँ तो वो किसके अंदर आएगा बिजनेस टू मॉडल बिजनेस बिजनेस टू कंज्यूमर कौन से उसके अंदर आएगा है ना तो ऐसे समझना है यही तो ऑनलाइन पूरा ये सिस्टम है यार वो चीज़ें इम्प्लीमेंट ही तो हो रही है तो यहाँ पे हम देखेंगे कुछ मॉडल्स को इम्प्लीमेंट किया गया है जैसे रिटेल मॉडल जिसको ई टेलिंग बोलते हैं जैसे हम क्या करते हैं रिटेल मॉडल में कि डायरेक्टली सेल कर दिया जाता है प्रोडक्ट या सर्विसेज ऑनलाइन आपको दे दी जाती है अमेजोन वाले फ्लिपकार्ट वाले क्या करते हैं सीधा आप तक प्रोडक्ट पहुँचाते हैं ठीक है ब्रोकेज मॉडल ब्रोकर जो होते हैं मतलब जो जानकारी का पैसा लेते हैं जो बीच में जो बिडेटर जो होता है वो ठीक है बिटवीन बाय और सेलर के बीच में ट्रांसैक्शन कराते हैं ठीक है फिर चार्ज लेते हैं ठीक है उसके बाद ई मॉल ई मॉल मतलब आपको ऑनलाइन मॉल मिल जाते हैं कि जैसे हम मॉल में जाते हैं ना कि हमको सब कुछ मिलता है कि पूरा राशन लेके आना है घर का राशन लेके आना है तो मॉल में घुस गए सब कुछ मिल जाएगा ठीक है कपड़े लेना है तो कपड़े भी ले लेंगे खाने पीने का सामान सारी चीज़ें मिल जाएगी तो ऐसे ही ऑनलाइन ई मॉडल भी है जैसे सॉफि शॉपिंग ठीक है देन उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग मॉडल मैन्युफैक्चरिंग मतलब कोई भी चीजें बन रही है ठीक है अब जो मैन्युफैक्चर कर रहा है ना वो सीधे बेच रहा है वो सीधे क्या कर रहा है दे रहा है जैसे एप्पल कंपनी एप्पल क्या करती है सीधा डायरेक्ट कंज्यूमर को प्रोवाइड करती है ठीक है, ड्रॉप कीपिंग मतलब आपका प्रोडक्ट डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुंचा दिया जाता है सप्लायर के थ्रू सप्लायर पहुंचा रहा है जो कर कर रहा रहा है, है? वो सीधे क्या प्रोडक्ट को दे रहा है तो उसको बोलते हैं ड्रॉप कीपिंग आपको सीधे drop shipping, कि आपको सीधे आपका प्रोडक्ट दिया जा रहा है ठीक है वोल सेलिंग आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ पे एक बहुत बड़ा गोदाम होता है ना गोदाम ठीक है जहां पे सब कुछ मिलता है तो वही है ये एक पूरा स्टोर है जहाँ पे सारी चीजें हमको मिलेगी यहाँ पे रिटेलर जिनकी बड़ी बड़ी शॉप है ठीक है जो कंपनी वाले होते हैं वो भी सामान यहाँ से खरीद सकते हैं कंज्यूमर जिसको सीधा सामान चाहिए वो वहां जाके लेके आ सकता है है ना तो होते हैं ना कि हम कपड़े खरीदने मार्केट जाते हैं लेकिन मार्केट वाले तो किसी और से बात कर रहे होते हैं कि भैया ये वाला डिजाइन का कपड़ा बहनवा दो तो, भैया ये कपड़ा बहुत चल रहा है हमारी दुकान भी खत्म हो गया है प्लीज इस कपड़े को पहुंचा दो ठीक है जिससे वो भैया से बात कर रहे होते हैं ना तो उन्ही से कपड़े हम सीधे भी लेके आ सकते हैं ठीक है तो वो हो गया जैसे अली बाबा ओके okay? अब हम कुछ डिवान्यू की बात करते हैं भाई अपना बिजनेस तो चल गया है अब बिजनेस मम्मी पापा ने पूछा बेटा क्या कर रहे हो तुमने बोला हम ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं अच्छा जी ठीक है बेटा पैसे कैसे कमाते हो अरे मम्मी ये तो हमने पढ़ा ही नहीं इसके बारे में तो बात ही नहीं करी अभी तो तुम खाफ बना रहे थे कि ऐसा मॉडल खरीदेंगे ऐसा बिजनेस बनाएंगे वो करेंगे ऑनलाइन अरे पैसे कैसे कमाएंगे ये तो बताओ पैसे कैसे बनेगा तो उसके लिए भी बात करते हैं तो एडवर्टाइजिंग रिवेन्यू मॉडल कि आप रिवेन्यू जनरेट करते हो गूगल एड्स का यूज करके ठीक है एड की बैनर लगा के ठीक है एड आती है ना शॉर्ट देखते हो तो वो वाला उससे पैसे कमाते हो और रिवेन्यू मॉडल यहाँ पे क्या करते हो आप एडवर्टाइज करते हो अपने प्रोडक्ट के बारे में ठीक है जितना लोगों को एडवर्टाइज करोगे तो उतना आपका प्रोडक्ट फैलेगा ठीक है फिर आप उनको पैसे भी देगा जो आपके एडवर्टाइजमेंट को फैलाएंगे ठीक है ओके रिवेन्यू मॉडल की आप क्या करते मंथली फीस लेते हो जैसे नेटफ्लिक्स हो गया हर मंथली आपको सब्सक्रिप्शन करना पड़ता है लेना पड़ता है है ना होता है ना जैसे अन अकेडमी हम ले लेते हैं वहाँ पे अगर किसी को पढ़ना है तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है अन अकेडमी की पीडब्ल्यू वाले हो गया ठीक है फिजिक्स वाला वो भी यही करता है मंथली सब्सक्रिप्शन सभी का यही है स्पॉटिफाई देख लो वो भी गाने सुनने का लेकिन वो भी मंथली सब्सक्रिप्शन लेता है आप यूट्यूब का ही देख लो उसमें भी प्रीमियम लेना पड़ता है तो ये यह सब यही है कि यहाँ से आप रिवेन्यू जनरेट करते हो ठीक है ट्रांसैक्शन फी रिवेन्यू मॉडल यहाँ पे सीधे ट्रांजेक्शन होता है ठीक है पैसे लिए जाते हैं चार्ज किए जाते हैं यूजर से ठीक है यूजर से पैसे लिए जाते हैं ओके सेल रिवेन्यू सेल रिवेन्यू इसमें क्या कर करना चाहता है जो सैलर है वो डायरेक्टली बाई सेलिंग देयर प्रोडक्ट सर्विस ऑनलाइन मतलब कि वो मनी डायरेक्टली सेलिंग के थ्रू लेता है कि वो जो सेलर है ना जो सेल कर रहा है वो रिवेन्यू जनरेट करता है यहाँ पे ठीक है ओके एनी ऑनलाइन स्टोर वेर यू बाय थिंग्स मतलब कि जहां से आप खरीद रहे हो जो रिवेन्यू सेल मतलब जो बेच रहा है वो पैसे कमाता है ठीक है जो बेच रहा है उसको पैसे मिलते हैं सीधे जैसे कोई भी आपको ऑनलाइन कुछ भी खरीदना है ठीक है अब आप पैसे दोगे ना उसका ऐसा तो है नहीं फ्री में ले लोगे तो उस तक पैसे गए ना सेलर तक तो वो होता है ये सेल रिवेन्यू मॉडल ठीक है आगे हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ द कोविड नाइनटीन भाई कोविड नाइनटीन का क्या इंपैक्ट पड़ा है ई कॉमर्स से ई कॉमर्स बात करें ऑनलाइन बिजनेस तो कोविड नाइन्टीन ने लोगों की दुकान को ही बदल के रख दिया है लॉकडाउन हो गया इकोनॉमिक ट्रबल आया हमने देखा कि भाई इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी हो गई ट्रेडिशनल जो शॉप थी वो काफ़ी कम हो गई सबके जितना भी ऑफलाइन काम था दुकान थी सब एकदम से कम हो गई भाई बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन काम करना स्टार्ट कर दिया पहली बार किया काफ़ी उनको डिस्काउंट मिला काफ़ी अच्छी अच्छी उनकी डील्स हुई वहाँ पर अब लॉकडाउन खत्म भी हो गया लेकिन आज भी लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं आज भी लोग ऑनलाइन कमा रहे हैं ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं कोविड चला गया है लेकिन लोगों को अब भी मजा आ रहा है अब भी उनको मतलब पसंद है तो ऑनलाइन वर्क करके उनको इससे क्या मिलता है फ़ायदा मिलता है ठीक है फ़ायदा बोल लो यहाँ से वो अभी भी रेवेन्यू जनरेट कर पाते हैं तो कोविड नाइन्टीन के आने पर हमने ऑनलाइन काम करना स्टार्ट करा ऑनलाइन पढ़ना स्टार्ट किया लेकिन अब हमको पता चला यार यहाँ से भी पैसे कमाए जा सकते हैं तो हमने यहीं पे काम करना स्टार्ट कर दिया ठीक है तो आज के लिए इतना ही आई होप आपको समझ में आया होगा कहीं कोई दिक्कत परेशानी तो बताने का है तो मिलते है के समझ में नहीं आए ये मत बोला करो कि समझ में ही नहीं आया अरे क्या नहीं समझ में आया ये तो बताओ कौन सा ऐसा पॉइंट है कौन सा ऐसा टॉपिक है जो समझ में नहीं आया है तब बताओ और फिर नहीं आता है फिर बोलना ठीक है तो जो भी कोई दिक्कत है बता दिया करो शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है कि शर्माने ही लग रहे हो इतना सर नहीं बनने का तो बताओ क्या दिक्कत है और अगर आपको क्लास के नोट्स चाहिए तो आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे वो भी मतलब पेपर मिल जाएगी आपको क्लास की वो भी आपको टेलीग्राम पे और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो जब तक अपना ध्यान रखें ख्याल रखें बाय टेक केयर ऑल द वेरी बेस्ट